सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो से सामाजिक अध्ययन की वस्तुनिष्ठ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज की कुछ निम्न विशेषताएं हैं, वो देख लीजिएगा आप। इस टेस्ट सीरीज के जो प्रश्नों का निर्माण किया गया है वो अपने राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनसे किया गया है। ये पुस्तकें 2019-20 में प्रचलित थी। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की अध्ययन सामग्री इसमें शामिल की गई है। यह टेस्ट सीरीज रीट पाठ्यक्रम के अनुसार बिंदुओं पर आधारित है। जिस यूनिट में जो बिंदु दिए गए हैं क्रमबद्ध रूप से आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सामाजिक अध्ययन के लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत उपयोगी रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले दिमाग में यही प्रश्न आता है, क्या सभी टॉपिक अपन कवर कर पाएंगे? बिल्कुल साथियों, टाइम बहुत कम है रीट एग्ज़ाम के लिए, फिर भी आपके रीट पाठ्यक्रम में 80+ टॉपिक हैं। आपको प्रतिदिन एक वीडियो देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद आपको एक दिन में 2 वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी जितनी इकाई मैं करवा पाऊँ करवाऊँगा ज़रूर, हो सके पूरा सिलेबस हो पाए, नहीं भी हो पाता है तो जितनी इकाइयाँ होंगी आपको वस्तुनिष्ठ रूप में उपलब्ध करवा दूँगा। साथियों, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये राजस्थान की पुस्तकों से ही बनाई गई है, अनावश्यक सामग्री को इसमें मैंने शामिल नहीं किया है। अगर ये प्रश्न आप आसानी से सरल कर पा रहे हैं, यकीन मानिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इन प्रश्नों को आपको हल करने में परेशानी आ रही है तो एक बार आपको राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें दोबारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेकर आया हूं। इनको देखिएगा, स्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे हैं और आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सिंधु सभ्यता से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? ए रोजदी, बी धोलावीरा, सी भगतराब, डी संगोल। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संगोल। संगोल पंजाब राज्य में स्थित है। बाकी जो ये सिंधु स्थल हैं रोजदी, धोलावीरा, भगतराब, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ए हड़प्पा, बी चहुंदड़ो, सी मुंडीगाग, डी कोटदीजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंडीगाग। हड़प्पा, चहुंदड़ो, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। मुंडीगाग एवं सुरतगोही अफगानिस्तान में 2 सिंधु स्थल स्थित हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के विस्तार की दृष्टि से पश्चिमी सीमा पर स्थित स्थल कौन सा है? साथियों ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी सीमा पर स्थित पूछा है। ए मांडा, बी देमाबाद, सी सुतका गेंडोर, डी आलमगीरपुर। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी सुतका गेंडोर। साथियों, मांडा है ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु था जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित था। देमाबाद सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु था जो परवरा नदी पे महाराष्ट्र में स्थित था। सुतका गेंडोर दासक नदी पर है जो पश्चिमी सीमा निर्धारित करता था। आलमगीरपुर ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल था, ये हिडन नदी पे था और उत्तर प्रदेश में स्थित था। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी की बनी हुई नालियों के साक्ष्य मिले हैं? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी देमाबाद। लकड़ी के नालियों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव मुहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? ए बैल, बी हाथी, सी भैंसा, डी चीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मुहर मिली है, उस पर कुछ पशु अंकित हैं, इनमें से बैल है उसका अंकन नहीं किया गया है। मेरी परीक्षा व्याख्याता में ये प्रश्न पूछा गया था। इत्तेफाक से दोस्तों ये प्रश्न मेरा गलत हुआ। इससे पहले एक परीक्षा हुई थी उसमें मैंने इस प्रश्न को सही किया था, लेकिन कुबड़ वाले बैल के कारण मैंने ये प्रश्न गलत कर दिया। साथियों, आपको ये प्रश्न आता है तो गलत नहीं करना है, इन पशुओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी धोलावीरा। शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। साथियों, कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर उसमें छेद हैं। उससे इस बात का अंदाज़ा लगता है सिंधुवासी थे, वो शल्य चिकित्सा प्रणाली से जानकारी रखते थे। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा पर स्थित मांडापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? ए चिनाब नदी, बी हिडन नदी, सी मकराना तट, डी सिंधु नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। मांडा जम्मू कश्मीर में था और ये चिनाब नदी पे था। हिडन नदी पे आलमगीरपुर था, मकराना तट पे सुतकागेंडोर था, सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो स्थित था। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। विशाल स्नानागार के अवशेष हड़प्पा से मिले हैं, स्टेडियम के अवशेष धोलावीरा से मिले हैं, एक सूचनापट अभिलेख धोलावीरा से मिला है, बंदरगाह के अवशेष लोथल से मिले हैं। साथियों, सही सम्मिलित नहीं है तो बताना चाहूँगा यहाँ पे विशाल स्नानागार, हड़प्पा, ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि विशाल स्नानागार के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, बाकी जो तथ्य दिए हुए हैं बिल्कुल वो सही हैं। स्टेडियम के अवशेष धोलावीरा से, सूचनापट अभिलेख धोलावीरा से, बंदरगाह के अवशेष धोलावीरा से मिले हैं। प्रश्न नंबर 9, कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से, डी देमाबाद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है। प्रश्न नंबर 10, मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख में भारत सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए दिलमुन, बी मगान, सी मेलुआ, डी बहरीन। साथियों, मेसोपोटामिया में एक अभिलेख के अनुसार सिंधु सभ्यता के लिए ये लोग मेलुआ शब्द का इस्तेमाल करते थे, इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा सी मेलुआ। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए धोलावीरा के उत्खनन से जलाशय प्राप्त हुए हैं, बी देमाबाद से हल की आकृति मिली है, सी सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी, डी कुछ सिंधु मोहरों पर सवास्तविक चक्कर एवं करोश के चिन्ह अंकित थे। असत्य कथन की पहचान करनी है साथियों, इसमें बी नंबर असत्य कथन है। देमाबाद से हल की आकृति नहीं मिली है बल्कि रथ की आकृति मिली है। हल की आकृति है वो बनावली से मिली है जो हरियाणा में स्थित है। बाकी धोलावीरा के उत्खनन से जलाशय प्राप्त हुए हैं बिल्कुल सही कथन है। सिंधु सभ्यता के तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, ये कथन भी सही है। कुछ सिंधु मोहरों पर सवास्तविक चक्कर एवं क्रॉस के चिन्ह भी अंकित थे। प्रश्न नंबर 12, बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगर में प्रयुक्त जैसी मुहर भारत के किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदड़ो से, डी धोलावीरा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल से। साथियों, एक बटन के आकार की मोहर मिली है जो विदेशी मोहर है। ऐसी मोहर बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगरों में प्रयुक्त की जाती थी। प्रश्न नंबर 13, कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? ए 1851 में, बी 1861 में, सी 1860 में, डी 1865 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1861 में। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। ए बनावली से रथ की आकृति मिली है, बी चहुंदड़ो व लोथल से मनका मनाने का कारखाना मिला है, सी कालीबंगा लोथल बनावली से अग्निवेदिकाएं मिली हैं, डी सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। साथियों, इसमें असत्य कथन ए हो जाएगा, बनावली से रथ की आकृति नहीं मिली है। रथ की आकृति महाराष्ट्र के देमाबाद से मिली है, बनावली से एक हल की आकृति मिली है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। चहुंदड़ो व लोथल में मनका बनाने की एक कर्मशाला थी,
कालीबंगा, लोथल एवं बनावली से हमें अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। सुरकोटड़ा जो गुजरात राज्य में स्थित है, यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। साथियों, एक तरफ सिंधु स्थल देख रखे हैं, एक तरफ खोजकर्ता दे रखे हैं, आपको सही सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। ए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। बी, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। सी, चहुंदड़ो की खोज एमजी मजूमदार ने की। डी, लोथल की खोज जेपी जोशी ने की। साथियों, इसमें हड़प्पा की खोज बिल्कुल दयाराम साहनी ने की, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, चहुंदड़ो की खोज एमजी मजूमदार ने की, लोथल की खोज दोस्तों एसआर राव ने की थी, जेपी जोशी ने नहीं की थी। जेपी जोशी ने गुजरात राज्य में स्थित सुरकोटड़ा नामक स्थान की खोज की थी, तो लोथल की खोज किसने की थी? एसआर राव ने। इसलिए डी नंबर असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिंधु स्थल दे रखे हैं, ये स्थल कौन सी नदी पर स्थित थे उसके बारे में आपको देखना है। ए, लोथल भोगवा नदी पे था। बी, हड़प्पा सिंधु नदी पे था। सी, कालीबंगा घग्गर नदी पे था। डी, सूतका गेंडोर दासक नदी पे था। यहाँ साथियों, बी नंबर है वो आपका असत्य है, क्योंकि साथियों हड़प्पा था वो रवि नदी पे स्थित था, सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो स्थित था, बाकी लोथल भोगवा नदी पे था, कालीबंगा घग्गर नदी पर, सूतका गेंडोर दासक नदी पर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से सिंधु लिपि के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। ए, सिंधु लिपि भावचित्रात्मक थी। बी, सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सी, सिंधु लिपि की लिखावट क्रमशः दाएं से बाएं की ओर की जाती थी। डी, सिंधु लिपि के 17 अक्षरों का शिलालेख लोथल से मिला है। इनमें साथियों जो असत्य कथन है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। सिंधु लिपि के 17 अक्षरों का शिलालेख लोथल से नहीं साथियों, धोलावीरा से मिला है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए, सिंधु सभ्यता में मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया है। सिंधु मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार मिली हैं। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। डी, सबसे अधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। साथियों, इनमें असत्य कथन हो जाएगा डी, सबसे अधिक मोहरें हड़प्पा से नहीं साथियों, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अगर प्रश्न में आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ मिली हैं, तब आपको हड़प्पा करना है, अदरवाइज आपको मोहनजोदड़ो ही करना है। प्रश्न नंबर 19, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? ए, हड़प्पा। बी, मोहनजोदड़ो। सी, कालीबंगा। डी, धोलावीरा। साथियों, धोलावीरा जो सिंधु स्थल था ये तीन भागों में विभाजित था, बाकी जो स्थल थे वो दो भागों में विभाजित थे। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कब्रिस्तान को R37 का नाम दिया गया है। बी, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सी, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। डी, धान चावल और फारस की मोहर के साक्ष्य से लोथल से प्राप्त हुए हैं। साथियों, इसमें एक नंबर असत्य कथन है, क्योंकि साथियों कब्रिस्तान R37 है वो मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त हुआ है, वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, जॉन मॉर्सल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा। बी, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सी, सिंधु सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। डी, कालीबंगा से एक ही खेत में दो फसलों की एक साथ बुवाई के साक्ष्य मिले हैं। साथियों, इसमें असत्य अपना कथन हो जाएगा वो बी होगा, सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वह नगरीय सभ्यता थी। बाकी जॉन मॉर्सल ने इस संस्कृति को सबसे पहले सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा था, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार दोस्तों,
सिंधु घाटी सभ्यता से ये महत्वपूर्ण 21% थे। आपको प्रश्न कैसे लगे? अगर आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आपने अच्छे से पढ़ी हैं, आपने इनको अच्छे से सरल कर लिया होगा। अगर ये प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं तो एक बार आपको राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।